हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है विल यू स्टिल लव मी, और ये बुक लिखी है रविंद्र सिंह ने। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2, और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 3 की। अब जो राजवीर होता है ना, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि वो देख रहा होता है बगल में बैठी हुई लवण्या को। जो लवण्या होती है ना, वो आराम से सो रही होती है, और जो राजवीर है ना, वो अपने पूरा दिल लगा के ना बस उसी को देख रहा होता है, किस तरीके से वो सो रही है, क्या कर रही है। अब जो राजवीर होता है ना, उसको एक चीज़ तो पता चल चुकी थी कि जो लवण्या है ना, वो काफ़ी सुंदर दिखती है। जो उसकी आंखें हैं ना, वो एकदम गोरी चिट्टी, एकदम बढ़िया उसकी कमर दिखाई दे रही थी उसके ब्लाउज और स्कर्ट के बीच में से। और तो वो ना एकदम जब सो रही थी ना, तो उसकी सांसें चल रही थी, तो वो भी देख रहा था। उसके जो स्लीव्स थे ना, उसके बीच में उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे राजवीर को। अब जो राजवीर होता है ना, वो उसकी खूबसूरती की पूरी डिटेल ले रहा होता है, काले काले बाल उसके, पतले पतले अच्छे अच्छे कंधे, और जो उसकी फिंगर्स होती है ना, वो भी बहुत छोटी होती है, बड़ी प्यारी सी, और जो उसके नेल्स होते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से ट्रिम्ड होते हैं। और जैसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट बॉडी किसी लड़की की, तो वो वही होती है। जो लवण्या थी ना, वो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जो उसका फिगर था ना, वो बहुत ही अच्छा था, और ये चीज़ राजवीर को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। अब जो लवण्या होती है ना, वो अचानक से क्या करती है ना, अपना सर हिलाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये देखती तो एकदम से राजवीर डर जाता है, क्योंकि राजवीर को ये लगता है ना कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, इसको मैं देख रहा था। अब वो फटाफट ना अपने आसपास देखता है कि कोई मुझे तो नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन उसको पता चलता है ना कि वो सेफ था। अब राजवीर ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, जो मैगजीन रखी होती है ना हेलो सिक्सी की, वो मैगजीन निकाल के ना पढ़ना शुरू कर देता है, और बीच बीच में ना वो चेक कर रहा होता है कि लवण्या सो रही है नहीं सो रही, कैसी लग रही है वो। अब इसी सब में ना आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है, और जो राजवीर होता है ना, वो अपना बैग से लैपटॉप निकालता है और काम करना शुरू कर देता है। इतने में क्या होता है, जो कैप्टन होता है ना, उसकी आवाज़ आती है कि भाई जो प्लेन है ना, वो हल्के हल्के नीचे जाने लगता है। अब इतने में लवण्या उठ जाती है तुरंत ही। अब जो राजवीर होता है ना, वो बहुत ही प्यार से पूछता है कि अच्छे से सो गई। अब ना वो अपने हाथों से ना अपनी आँखों को पोंछती है और कहती है ना, हाँ अब मैं थोड़ी फ्रेश फील कर रही हूँ। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होता है ना कि भाई जो वॉशरूम है ना, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन नीचे जा रहा है, जो लवण्या होती है ना, वो फटाफट अपनी सीट बेल्ट खोलती है और फटाफट उसको ना वॉशरूम के लिए जाना होता है, फटाफट जाने लगती है वो वहाँ से। अब जो राजवीर होता है ना, उसको ये लगता है फटाफट मैं अपना लैपटॉप बंद करूँ, अपनी सीट बेल्ट हटाऊँ, ट्रे टेबल हटाऊँ, तब ये जा पाएगी। लेकिन जो लवण्या होती है ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो क्या करती है ना, थोड़ी सी राजवीर उसकी टाँगों की सीट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वहीं से निकलने की कोशिश करती है। और जब वो निकलती है ना, जो उसकी टांगे होती है ना, वो टच होती हैं राजवीर की टांगों से, और एकदम से ना राजवीर के शरीर में तो करंट सा जाग उठता है। जो लवण्या होती है उसके काफ़ी पास होती है, तो राजवीर ना उसकी जो कमर होती है उसको देखता है, और एकदम छूने का उसको मन करता है ना कि मैं उसकी कमर को छू दूँ। और जो उसकी परफ्यूम होती है ना, एकदम उसकी नाक में चली जाती है, बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है राजवीर को। अब ना राजवीर गहरी सांस लेता है, और जो लवण्या होती है ना, वो कहती है सॉरी, और जो राजवीर होता है ना, वो मन में कहता है कि यू आर वेलकम। अब जब वो वापस आती है ना, तो राजवीर को पता होता है कि भाई अब जेंटलमैन की तरह उसको सब कुछ करना पड़ेगा, और वो ना पहले से ही सब कुछ हटा हटू के रखता ताकि वो अंदर जा सके। अब जो लवण्या होती है ना, वो कहती है थैंक यू सो मच। अब जो राजवीर कहता है ना, वो कहता है यू आर वेलकम। अब जो प्लेन होता है ना, वो कुछ ही समय में लैंड होने वाला होता है। जो लवण्या होती है ना, वो बाहर देख रही होती है। जो राजवीर होता है ना, वो भी उसके पास से जाके ना एकदम खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि कैसा चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है। अब जो लवण्या होती है ना, वो कहती है तो चंडीगढ़ तुम्हारा आखिरी स्टॉप है। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है नहीं नहीं मुझे पटियाला जाना है, 1.5 घंटे की दूरी है, चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगता है। अब जो लवण्या होती है ना, वो अपनी आँखों को कहती है कि तुम कहीं काम से जा रहे हो क्या। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है नहीं परिवार से मिलने जा रहा हूँ, जरा फैमिली से। अब जो लवण्या होती है, वो कहती है अच्छा। अब वो ना लवण्या क्या करती है, राजवीर का सीधा हाथ चेक करती है कि उसने कोई अंगूठी पहनी है नहीं पहनी। वो कहती है बीवी बच्चों से और परिवार से मिलने। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है नहीं मम्मी पापा परिवार से मिलने, स्माइल करते हुए कहता है। और ना एकदम से वो कहता है हाँ मेरा भाई और उसकी जो बीवी है उसके परिवार से ही मिलने। अब जो लवण्या होती है, वो कहती है अरे वाह काफ़ी बड़ी फैमिली है, नाइस नाइस, और विंडो की तरफ देखने लगती है बाहर। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है तो तुम अपने परिवार के साथ ही रहती हो। अब जो लवण्या है ना, वो राजवीर को देखती है ना, और थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड करती है कि मेरी ना एक आंट है, लेकिन अब वो ना यूके चली गई है, और ना एकदम बिल्कुल डल सा रिएक्शन देती है। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है यार ये तो कितना आम सवाल था, मैंने भी क्या पूछ लिया, ऐसे मन में कोसता है अपने आप को। और फिर कहता है ना कि अच्छा तो तुम्हारे बच्चे हैं क्या। अब जो राजवीर है ना, वो अपना चतुराई वाला दिमाग चलाता है और कहता है ना कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है ना। अब जो वो होती है ना, वो एकदम हंसते हुए कहती है कि क्या मेरी तो शादी ही नहीं हुई। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है ये मेरी ट्रिक थी पता करने की कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। अब जो लवण्या होती है ना, वो कहती है मुझे तो कोई रीज़न ही समझ में नहीं आया तुमने ऐसा क्यों पूछा, तुम तो मुझसे सीधे ही पूछ सकते थे। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है अच्छा तो तुम चंडीगढ़ जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने।
अब ना कुछ सेकंड के लिए तो लवण्या सोच रही होती है और ना कुछ बोलती नहीं है, उसको एकदम ऐसे देख रही होती है कि क्या बोल रहा है ये। अब जो राजवीर होता है ना वो कहता है, क्या तुम्हें तो कहा था कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब सीधे सीधे पूछ लो। अब जो लवण्या होती है ना वो कुछ सेकंड के लिए एकदम कुछ नहीं बोलती और ना फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो राजवीर है ना वो भी थोड़ा स्माइल करने लगता है। अब जो लवण्या होती है वो कहती है, नहीं जो मेरी एक दोस्त है मैं उसकी शादी में जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की। अब जो राजवीर होता है वो कहता है, शादी, वाओ यार। लवण्या कहती है ना, हाँ यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब जो राजवीर होता है ना वो कहता है, जो मेरा पुराना क्वेश्चन था, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अब जो लवण्या होती है ना वो उसको स्माइल करती है और लवण्या को लगता है ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा है ना, तो वो ना मुंडी हिला के मना कर देती है, उसको कोई शब्दों में जवाब नहीं देती। अब जो राजवीर होता है ना वो कहता है, इवन मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। अब ना एकदम ये शर्मा के तुरंत ही एकदम ना वैसी बोल देता है। कुछ सेकंड तक तो ना लवण्या उसको देख रही होती है कि कहना क्या चाहता है। अब ना लवण्या बोल ही देती है, वो कहती है, क्या तुम ये कह के क्या बोलना क्या चाह रहे हो? अब ना कुछ सेकंड के तो राजवीर एकदम शांत हो जाता है, उसको पता चल चुका था कि ना उसने गलती कर दी यहाँ पे ज़्यादा बोल के। अब वो ना अपने आप को डिफेंड करता है, कहता है, अरे नहीं 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 मतलब तुम ना ये सब चीज़ों को गलत मत समझो, कनेक्ट डॉट्स को ना कनेक्ट मत करो, वो तो मैंने वैसे ही कह दिया। अब जो उसकी बादाम वाली आँखें होती है ना वो एकदम देख रही होती है, उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जो लवण्या होती है ना वो कहीं ना कहीं और सुनना चाहती है। और जो राजवीर होता है ना वो कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ तो मुझे गलत मत समझना। अब वो ना फिर भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि भाई एकदम ना वो सीरियस होकर उसको देख रही होती कि इसने बोला क्या। अब जो राजवीर है ना वो कहता है, देखो मेरा विश्वास मानो, चलो ठीक है ना मैं चीज़ों को फिक्स करता हूँ। अब जो लवण्या होती है ना उसको अब लवण्या पूछ लेती है सीधे सीधे कि तुम्हारी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, और एकदम ना बिल्कुल रिलैक्स होकर ये बात पूछती है। अब जो राजवीर होता है ना उसको समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब एकदम से बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। राजवीर कहता है, क्या? तो लवण्या कहती है ना कि अगर तुम फिक्स करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि तुम्हें ना मेरे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। और जो राजवीर होता है ना वो सीधा हाँ कर देता है। अब वो ना वही उससे पूछती है कि भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना आज तक? अब जो राजवीर होता है ना वो मुंडी हिला के मना कर देता है। और जो लवण्या होती है वो कहती है, कभी भी नहीं। अब वो ना फिर से मना करता है ताकि उसको साफ पता चले कि नहीं है आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अब जो लवण्या होती है ना वो अपनी खिड़की की तरफ देखने लगती है और वो देख रही होती है कि कैसे कैसे मतलब चंडीगढ़ आ ही रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। अब जो राजवीर है ना वो कहता है, एक मिनट, तुम मुझसे मजाक कर रही थी ना अभी कुछ टाइम पहले। और वो ना उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, वो भी ना हंसने लगता है। वो कहता है, यार तुम तो बहुत तेज हो यार सच्ची में, तुम्हें पता है ये बात? वो ना अपना सर हिलाती है, राजवीर दोनों हंस रहे होते हैं। अब जो इनका एरोप्लेन होता है ना वो लैंड हो चुका होता है, जो सारा कैबिन क्रू होता है ना वो अनाउंस करता है कि आप लोग अब उतर सकते हो फ्लाइट से। अब जैसे ये लोग वहाँ पे उतरते हैं ना जो सबके फ़ोन होते हैं वो स्विच ऑन हो चुके होते हैं, सबके फ़ोनों पे कॉल आ रही होती है, सबकी रेगुलर ज़िंदगी शुरू हो चुकी होती है। अब ना जो राजवीर होता है ना उसके फ़ोन पे भी फ़ोन आता है। अब जो राजवीर होता है ना वो उठने से पहले क्या करता है ना, एक बार देख लेता है विंडो से कि भाई कैसा दिखाई दे रहा है शहर, कि उसकी जो विंडो सीट थी वो तो मिस हो गई। अब उतने में क्या होता है ना उसका फ़ोन आने लगता है, और ये फ़ोन होता है उसके ड्राइवर का कि उसको लेने आया हुआ होता है। अब वो ना ड्राइवर की बात को सुन ही रहा होता है, अपनी सीट से उठता है, ट्रॉली बैग निकालता है और ना फ़ोन बातें करते करते ना प्लेन से एग्जिट ले लेता है। और जब उसकी कॉल कटती है ना तो वो नोटिस करता है कि जो लवण्या होती है ना वो भी क्राउड के बीच में से अपना सामान लेके ना उसी के पीछे पीछे होती है, और वो भी अपने ना फ़ोन पे बात कर रही होती है अपने बेस्ट फ्रेंड से शायद, और उसको बस ना उसको हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है राजवीर को लवण्या की। अब ये लोग ना बात करते करते नीचे आते हैं ना तो वो दोनों एक साथ ही हो जाते हैं, और ये लोग ना वेट कर रहे होते हैं बस का कि कब बस आएगी और इनको एयरपोर्ट के टर्मिनल पे लेके जाएगी। अब जब बस इनको एयरपोर्ट के टर्मिनल पे छोड़ देते हैं तो कुछ दूर ये लोग पैदल चलते हैं। अब जो लवण्या होती है ना उसको अपना एक और बैग कलेक्ट करना था क्योंकि उसके दो बैग थे, जबकि जो राजवीर था ना उसका तो बस एक ही बैग था, तो उसको तो सीधे वो निकल सकता था, एग्जिट कर सकता था। अब जो राजवीर होता है ना वो मन में कहना चाहता है कि मैं उसका नंबर ले लूँ या ना लूँ, उसके ना दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि नंबर लूँ ना लूँ, लेकिन ना वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी था ही नहीं, उसके सीधी सीधी बात उससे होती नहीं थी। और वो सोचता है ना कि चलो खैर छोड़ो। अब टर्मिनल पे थोड़ी दूर चलने के बाद ना वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, और जो राजवीर होता है ना वो कहता है, इन्जॉय करो अपने दोस्त की वेडिंग एंड अपनी लाइफ मज़े से जियो। अब जो लवण्या होती है ना वो कहती है कि तुम भी अपनी लाइफ इन्जॉय करो अपने परिवार के साथ, और आगे के लिए ना सब कुछ अभी से गुड लक। अब उस मोमेंट पे ना उसको ये लगता है कि वो लोग आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो लोग गलत सोच रहे थे। अब इसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है ना वो एक प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं कि दो नौजवान लड़के होते हैं, एक होता है 20 से लेके 30 की उम्र का और एक होता है ना 30 से थोड़ा का ज़्यादा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात है ये। उन दोनों की ना अपीरियंस से साफ पता चल रहा था कि वो दोनों अलग अलग तबके को बिलोंग करते थे। जो छोटा वाला था ना जो कि अपनी 20 से 30 के बीच में था, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने रखे थे, वो साफ पता चल रहा था कि मतलब एकदम अमीर खानदान का है। और जबकि जो बड़ा वाला था ना 30 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा एवरेज खानदान का था, मिडिल क्लास का था वो। और जो यूनिवर्सिटी थी ना उनके ऑडिटोरियम में आज एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही थी, वो था कि भाई जो रोड सेफ्टी का वीक था ये,
जो सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे थे ना वो सारे गैदर हो रखे थे, और ना उन स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये सब सुने, रोड सेफ्टी पे लेक्चर कौन सुनना चाहता है, बिल्कुल अनकूल अनसेक्सी था। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले थे ना उनको ये बात सुननी थी, क्योंकि भाई सीनियर ने उनको बिठाया था वहाँ पर, तो सुनना तो पड़ेगा। अब जो ये जो छोटा लड़का होता है ना, ये जैसे स्टेज पर आता है ना, ये सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि आप लोगों में से कितने ऐसे हो जिन्होंने अपने किसी प्यारे को, किसी परिवार वाले को, दोस्त को या किसी को भी एक्सीडेंट में जो मर गया उसको खो दिया। अब ये सुनते ही तो ना कई लोग कहते हैं हाथ उठा लो। अब ये सुनते ही तो ना जो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो लोग अपना हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि उसने ना आते आते अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया और सीधे ऐसा सवाल पूछा। अब एकदम से ना सब लोग उसको देखने लगते हैं और ना कई लोग अपना हाथ उठाते हैं, स्टेज पर कुछ लोग होते हैं वो भी अपना हाथ उठाते हैं, और स्टेज पे जो कई लोग होते हैं ना वो भी अपना हाथ उठाने लगते हैं। और क्या होता है ना फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, और जब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है ना तो फिर से कुछ लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन ना थोड़ा झिझक के हाथ उठाते हैं कि उठाए ना उठाए। और जो उसका दूसरा क्वेश्चन होता है ना वो सीधा सीधा ये होता है कि आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट आपके साथ भी हो सकता था ना। और वो ये क्वेश्चन पूछता है ना तो एकदम सब लोग थोड़ा ना डर डर के हाथ उठा रहे होते हैं। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।